असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट MTS 641 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2021। टोटल मार्क्स इस असाइनमेंट के कितने हैं, 20 है, और इसके अंदर जो मेड्यूल्स कवर हैं वो हैं 57 to 71 मेड्यूल हैं, और इसकी जो ड्यू डेट है वो 26 है। वैसे लास्ट डेट काफ़ी दूर थी, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो इस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड की है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 50% मार्क्स विल बी डिडक्टिव फ्रॉम ऑब्टेन इन द केस ऑफ द लास्ट सबमिशन थ्रू ईमेल रिक्वेस्टेड। यानी आपके जो असाइनमेंट फाइल है वो आपने लास्ट डेट से पहले सबमिट करवानी है, और LMS के ज़रिए सबमिट करवानी है, ईमेल के ज़रिए सबमिट नहीं करवानी। और आपने किसी स्टूडेंट की कोई असाइनमेंट फाइल कॉपी करके सबमिट नहीं करवानी। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो उसको आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और आपने जो फाइल सबमिट करवानी है वो MS वर्ड की फाइल होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो दैट फंक्शन डिफाइन एंड गिवन बाय t इज इक्वल टू l की पावर अनडिफाइन अप्रोच कर, l की पावर अनडिफाइन इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ये एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। t ऑफ y इज इक्वल टू y ऑफ p डिवाइडेड बाय p, जबकि p बिलोंग कर रहा है n से। यानी ये हमने शो करवाने हैं कि ये एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जहाँ से आपका मिड का सिलेबस स्टार्ट है, वो स्टार्ट में ही डिफाइन किया हुआ है। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट लेक्चर्स भी बनाए हैं, आप वहाँ से भी इस असाइनमेंट के हवाले से आप वो देख सकते हैं। मैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब आ जाते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है लेट y be the सिक्वेंस स्पेस। y एक क्या है, सिक्वेंस स्पेस है, एंड y be the एलिमेंट ऑफ दैट स्पेस, y बिलोंग करें y से। और यहाँ पे जो हमने लिए हैं, y इज अ सिक्वेंस स्पेस, ये एक सिक्वेंस स्पेस है, एंड y be the एलिमेंट ऑफ द स्पेस दैट y, स्मॉल y है वो इसके एलिमेंट है, और वो कैपिटल y से यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। पहली बात यहाँ पे इन्होंने ये की है, फिर उसके बाद यहाँ पे y ऑफ p, y ऑफ p किसके इक्वल है, एक्साई वन, एक्साई टू, एक्साई थ्री। हमने ये सपोज कर लिया कि y ऑफ p इसके इक्वल है, फॉर ऑल जो p है वो बिलोंग कर रहे कैपिटल N से। नेक्स्ट देखिए, हमने कहा है कि जो y ऑफ p है वो xi i, यानी अगर हम इसका समेशन लें तो हम i की जगह वैल्यू पुट करें 1 2, सो ऑन, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3, सो ऑन, जहाँ तक हमें इसकी वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द सिक्वेंस इज बाउंडेड, यानी ये जो सिक्वेंस है ये बाउंडेड है। इफ़ वी कैलकुलेट, तो हम कैलकुलेट करें, इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्जाई आई, एग्जाई आई की वैल्यू को कैलकुलेट करें, डैट द वैल्यू इज लेस देन सी, और इसकी जो भी वैल्यू हो वो सी से लेस देन हो। तो हमने यहाँ पे जो एग्जाई ऑफ आई जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, तो उसे हमने बोला कि एग्जाई ऑफ आई का जो मॉड है वो लेस देन है किससे, सी से। तो हमने यहाँ पे वो राइट कर दिया सबसे पहले। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, लेट, फिर हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास ईटा जे है, ईटा जे हमारे पास किसके इक्वल है, के इज इक्वल टू 1 से n ए जे के एग्जाई ऑफ के, ये एग्जाई ऑफ के इक्वल है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास एक्स का नॉर्म है वो किसके इक्वल होता है, वो जे इज इक्वल टू समीशन जे इज इक्वल टू 1 से r ईटा जे स्केयर के और होल का 1/2, ये हमारे पास x की इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो y ऑफ p है, ये देखें y ऑफ p है, y ऑफ p का नॉर्म जो है वो किसके इक्वल है, m इज इक्वल टू 1 से n एक्साई ऑफ m का स्केयर होल की पावर
वन बाय टू। तो हमने यहाँ पे x की नॉर्म को भी डिफाइन किया है, ईटा j को भी डिफाइन किया है और y ऑफ p को भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वी हैव चेक नॉर्म ऑफ t ऑफ y। यहाँ पे हमने t ऑफ y की जो नॉर्म है उसे हमने चेक करना है। हमने कहा कि t ऑफ y इज इक्वल टू x नॉर्म के, यानी x की जो वैल्यू थी वो थी j इज इक्वल टू 1 से r ईटा j का स्क्वायर 1 बाय 2, ये इसके इक्वल है। फिर हमारे पास ईटा j की हमारे पास किसके इक्वल था, ईटा j हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था कि ईटा j जो है वो इक्वल है समेशन k इज इक्वल टू 1 से n अल्फा जे के एक्साई के। तो हमने यहाँ पे ईटा जे की जगह टी ऑफ वाई में वो वैल्यूज पुट कर देनी है। ये नेक्स्ट स्टेप में हमने ईटा जे की जगह इसकी वैल्यूज पुट की। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/2। अब हमने इसका 1/2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर ले लिया, तो ये 1/2 हमारे पास फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ईटा जे हमारे पास किसके इक्वल था, अल्फा जे के एक्साई ऑफ के इज इक्वल टू 1 से एन के। तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। फिर हमने यहाँ पे जैसे ही इसकी वैल्यू पुट की तो हमने कार्शियस सीक्वेंस इनइक्वालिटी को यूज़ किया है अबव ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो टी वाई की नॉर्म का स्क्वायर लेस देन इक्वल, ये देखें जे इज इक्वल टू 1 से आर, ये राइट किया है। फिर हमने ब्रैकेट्स राइट किए, ईटा जे की जो हमारे पास वैल्यू थी हमने वो यहाँ पे राइट की। ईटा जे हमारे पास किसके इक्वल था, के इज इक्वल टू एन अल्फा जे के एक्साई ऑफ के, इसके इक्वल था। और फिर हमारे पास एन का स्क्वायर था तो हमने इन दोनों को सेपरेट करके राइट कर दिया, के इज इक्वल टू 1 से एन अल्फा जे के का स्क्वायर और होल की पावर 1/2। फिर सेकेंड हमने एम इज इक्वल टू 1 से एन एक्साई ऑफ m का स्क्वायर होल की पावर 1/2 और होल का स्क्वायर हमने ये राइट कर दिया। अब जो हमारे पास y ऑफ p, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू बन रही है एक्साई m वाली, ये ऊपर हमने किसकी इक्वल रखी थी, y ऑफ p के। तो हमने यहाँ पे राइट किया कि ये y ऑफ p की नॉर्म का स्क्वायर बन रहा है और बाकी ये सेकेंड वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ गई है यहाँ पे जो डिफाइनिंग हुई है। तो हमने इसे एज इट इज़ रख लिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ये वाली वैल्यू रिमेनिंग बची थी इसे हमने किसका नाम दे दिया, c का नाम, कि ये हमारे पास c के इक्वल है, c हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसे c को रख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका जो स्क्वायर था वो हमने फिनिश किया। हम विदाउट स्क्वायर भी इसे राइट कर सकते हैं, हेयर इज़ आ c विच डिपेंड अपन ऑन t, यानी जो c है वो किस पे डिपेंड करता है, t पर डिपेंड कर सकता है, वी कैन राइट एज। तो हम इसे किस तरह से राइट कर सकते हैं, टी वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल c और y ऑफ p का नॉर्म, अगर हम y ऑफ p को उधर जाके डिवाइड कर देते हैं और ये लेस देन इक्वल आ जाता है c के। c हमारे पास पहले ही लीनियर था और वी कैन से दैट इज़ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, वी कैन से दैट C is a bounded linear operator, जो C है वो एक bounded linear operator है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो condition थी ये हमारे पास boundness की condition थी। I hope you will be understand। अगर आपका फिर भी कोई भी question हो या कोई भी query हो तो आप without hesitation comment में पूछ सकते हैं। Thank you for watching।